आज आईपीएल के मैच में जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया, सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग ट्रेंड होने लगा। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स ने आज मैच खेला उनके ऊपर में सवाल उठता है, क्योंकि उनके बल्लेबाजों में कोई किसी भी तरह का कोई इंटेंट नहीं दिखा। वही दूसरी तरफ बात करें तो प्लेऑफ में जगह बनाने के जिद्दोजहद में लगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हर मैच डू और डाई का मैच है। आज भी उनका मैच डू और डाई के सिचुएशन में था, उन्होंने पूरे दमखम के साथ मैच खेला और जीता भी, और उनके प्लेऑफ में जाने की संभावना अब काफी बढ़ चुकी है। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट में खेल रहे राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग की इंटेंट की बात करें तो कोई भी इंटेंट नहीं दिखता है। बात करें उनके ओपनर्स की, मिडिल ऑर्डर्स की या फिर लोअर ऑर्डर की, हर किसी ने स्लो बैटिंग की। खासकर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर जो कि ओपन करने आए थे, उन्हें पहली बाउंड्री लगाने के लिए 16 गेंद खर्च करने पड़ गए और यहीं से राजस्थान रॉयल्स जो है मैच से पीछे तक चला गया था। एंड में ध्रुव जुरेल और फिर इनके इनफॉर्म बैटर रयान पराग ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो रन्स जो कि 145 रन इन्होंने टारगेट दिया था 146 का चेन्नई सुपर किंग्स को, वो एनफ नहीं था। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बैटिंग करने आए इनके ओपनर ने अच्छी शुरुआत की, बाद में मिडिल ऑर्डर ने भी अच्छी बैटिंग की। हालांकि दूसरी तरफ से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने इंश्योर कर लिया था कि मैच जीत के ही जाना है, भले ही इनका स्ट्राइक रेट कितना भी कम हो। अंत में यही हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ 41 गेंद में 42 रन्स बनाते हैं और नॉट आउट आते हैं। हालांकि इस मैच में कुछ कंट्रोवर्सी भी हुआ, खासकर रविंद्र जडेजा का वो अब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का विकेट जो उन्हें आउट दिया गया था, उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। चेन्नई सुपर किंग्स वैसे तो ये मैच जीत गई, लेकिन अगर चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच नहीं जीती तो ये वाला जो पॉइंट था ये और भी ज्यादा हाईलाइट होनी थी। अगर अगर बात करें रविंद्र जडेजा के विकेट की जो उन्हें आउट दिया गया था अब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के इल्जाम में, सो उसमें ये दिखता है वीडियो फुटेज में कि एक बार वे पीछे घूम के कीपर की तरफ देखते हैं। हालांकि जब वो देख रहे होते हैं उस टाइम तक संजू सैमसन ने थ्रो नहीं किया हुआ था, संजू सैमसन उसके बाद थ्रो करते हैं, लेकिन इस उसी वीडियो में ये भी क्लियरली देखा जा सकता है कि रविंद्र जडेजा पिच के क्रॉस करके विकेट को क्रॉस करके भाग रहे थे और इसी के लिए उन्हें दोषी पाया जाता है और उन्हें आउट दिया जाता है। हालांकि बाद में चेन्नई सुपर किंग्स से मैच जीती है क्योंकि उन्होंने 8 करोड़धारी समीर रिजवी को उसके बाद बैटिंग के लिए भेजते हैं और समीर रिजवी ताबड़तोड़ 15 रन बना के चेन्नई सुपर किंग्स को मैच जिताते हैं। इस मैच में सबसे बड़े परेशानी की बात यशस्वी जायसवाल का फॉर्म में न होना है। लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहे यशस्वी जायसवाल पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं, सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए भी अब सरदर्द बनते जा रहे हैं। यशस्वी जायसवाल का आउट ऑफ फॉर्म होना ये भी दिखाने लगा है कि क्या वर्ल्ड कप में इंडिया उनके साथ ओपन करेगी या फिर विराट कोहली के साथ जाएगी। हालांकि ये देखने वाला बात है, अभी भी उनके पास 2-3 मैचेस बचे हुए हैं। यशस्वी जायसवाल को चाहिए कि कुछ बड़ी इनिंग खेले, रेजिलियंस इनिंग खेले और टीम को जिताए। यशस्वी जायसवाल का बार बार सस्ते में आउट होना आश्चर्य की बात है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल वही खिलाड़ी है जो ताबड़तोड़ इंटरनेशनल क्रिकेट में रन बना रहे थे। उनका विकेट लेना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए आसान चीज नहीं थी। अभी अभी फिलहाल में कंप्लीट हुई भारत और इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच इंडिया में हुआ था, उसमें यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ रन बना रहे थे, हर इनिंग में रन बना रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी कि उन्हें आउट कर सके। बट यहाँ पे अगर आईपीएल में देखे तो आईपीएल में बड़े ही आसानी से गेंदबाजों ने आउट कर पा रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि यशस्वी जायसवाल को आउट करने का जो तोड़ है वो गेंदबाजों ने ढूंढ लिया है, स्पेशली तब जब वो लगातार आउट हो रहा है। हालांकि ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल के सामने हर गेंदबाज एक स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। उनके सामने गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं कि गुड लेंथ पे बॉल गिरा के हल्की सी बाउंस ली जाए और गेंद की जो लाइन है वो स्टंप टू स्टंप होनी चाहिए, और हल्की बाउंस को देख के यशस्वी जायसवाल पुल करने की कोशिश कर रहे हैं और टॉप एज में उनका जो है कैच वहीं पे खड़ा हो जा रहा है, और ये ट्रेंड लगातार उनके साथ हो रहा है और लगातार ऐसे ही आउट हो रहे हैं। और अगर ये ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा है तो डेफिनेटली इस चीज को दुनिया की टीमें भी ध्यान देगी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की टीमें भी इस पर ध्यान देगी, और वर्ल्ड कप में अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं तो इसी स्ट्रेटजी के साथ दुनिया की दूसरी टीम भी इनके सामने, दूसरी दूसरे गेंदबाज इनके सामने बॉलिंग करने आएंगे, और शायद यशस्वी जायसवाल अगर टाइम रहते, वक्त रहते, इस परेशानी से बाहर नहीं आते हैं तो शायद वहां पर भी वो इंडिया के लिए सरदर्द बन सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इंडिया विराट कोहली की तरफ मूव करे एज ए ओपनर, सो यशस्वी जायसवाल के लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के एक उभरते सितारा है और हम सब चाहते हैं कि वो अच्छे फॉर्म में रहे, खासकर वर्ल्ड कप में वो इंडिया को अच्छे स्टार्ट दिलाए, इंडिया को मैचेस जिताए, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी वापस अपने फॉर्म में आ जाएंगे।
बात करें इस मैच की, तो इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए समरजीत और तुषार देशपांडे ने जबरदस्त बॉलिंग की। तुषार देशपांडे जिस दिन चलते हैं वो काफी अच्छे गेंदबाज लगते हैं, ग्लेन मैग्रा की छवि उनमें दिखने लगती है और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की। हालांकि दूसरी तरफ एक नए गेंदबाज समरजीत ने जबरदस्त बॉलिंग की, पहले 3 विकेट जो है समरजीत ने ही लिया था, राजस्थान रॉयल्स के दोनों ओपनर का विकेट जो है समरजीत ने ही लिया था और उसी के बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच आसानी से जीतती भी है और समरजीत को मैन ऑफ द मैच भी मिलता है। टेबल टॉप की उम्मीद में बैठे राजस्थान रॉयल्स को मिली यह हार उन्हें बहुत खलेगी, क्योंकि चेपो के ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स ने आज जिस तरह का खेल दिखाया है, इस तरह के खेल की उम्मीद उनसे बिल्कुल भी नहीं थी। ये तब भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चेपो का ही वो ग्राउंड है, चेन्नई का ही वो ग्राउंड है जहां पे आईपीएल के सेकेंड क्वालिफायर और साथ ही साथ फाइनल का मैच भी खेला जाना है। सो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स का इस पिच पे इतना बुरा परफॉर्मेंस उन्हें डेफिनेटली उनके लिए सरदर्द बन सकता है। राजस्थान रॉयल्स को बहुत जल्द ऐसे पिचेस पे अच्छे परफॉर्मेंस करने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वालिफायर वो डेफिनेटली खेलेंगे और हो सके तो फाइनल भी खेल सकती है और उन्हें ऐसी ही पिच पे परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स ये मैच जीतकर अपने आप को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में पेश कर चुकी है। अब उनका एक ही मैच बचता है जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ है। बेंगलोर के अभी 2 मैचेस बचे हैं, उनका 13वां मैच आज ही खेला जाना है दिल्ली कैपिटल के साथ। अगर वो मैच जीतते हैं तो फिर जो लास्ट मैच है बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में, वो डू और डाई का ही नहीं बल्कि वर्चुअल सेमीफाइनल मैच हो जाएगा इन दोनों टीमों के लिए। उसमें दोनों टीमों में जो टीम हारेगी वो स्ट्रेट अवे बाहर हो जाएगी और जो टीम जीतेगी वो लगभग प्लेऑफ में जगह बना लेगी। हालांकि उनके लिए अभी भी लखनऊ और दिल्ली की टीमें उनके कंटेंडर है, साथ ही साथ हैदराबाद भी इस होड़ में शामिल है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजू सैमसन ये कहते हुए पाए गए कि उन्होंने पिच को सही से नहीं समझा, ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है क्योंकि आप इंडियन खिलाड़ी है, आप इंडिया में अपने मैचेस खेलते हैं, इसके बावजूद भी अगर आप इस पिच को नहीं समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप में कमी है, और भी तब जब आप लगातार यहाँ पे खेलते हैं, आप अपने डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं, आईपीएल के मैचेस पिछले 10-15 साल से खेले, इसके बाद भी अगर एक पिच आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी रीडिंग एबिलिटी में कहीं ना कहीं फिर कमी है। ये बात समय से परे है कि संजू सैमसन या फिर इंडिया के कोई भी ऐसा खिलाड़ी कैसे बोल सकता है कि इंडिया की कोई भी पिच उसे समझ में नहीं आती है। ये बात अगर विदेशी खिलाड़ी या विदेशी टीम बोले तो फिर भी जस्टिफाइड है कि उन्हें होम कंडीशन का मदद मिल गया है या उनको एडवांटेज मिल गया है, लेकिन अगर इंडियन टीम या इंडियन प्लेयर इस बात को रेज करता है तो डेफिनेटली ये कंसर्निंग मैटर है, खासकर तब जब आप एक टीम के कैप्टन हैं, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप डोमेस्टिक मैचेस भी यहाँ खेलते हैं, आईपीएल के मैचेस खेलते हैं, इसके बावजूद भी अगर पिच समझ में नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं ये आश्चर्य की बात है। हालांकि इस मैच पे फिक्सिंग का आरोप लग रहा है जिसमें कितनी सच्चाई है वो तो पता नहीं, बट ये मैच जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स खेली है, चेन्नई सुपर किंग्स खेली है, उसको लेकर जरूर सवाल उठ सकते हैं, बट मैच फिक्सिंग को लेकर इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें पता नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही।